चले। अगला क्वेश्चन, सेंटर दे रखा है, रेडियस दे रखी है, अब फटाफट करते हैं भैया। सेंटर बता दिया उसने, बोलो क्या? -2 और 3। सेंटर क्या होता है? एच के। कितना बता दिया उसने? -2 और 3। तो यहां से आपको क्या पता लग जाएगा? एच बराबर क्या हो गया? -2 और k बराबर क्या हो गया? 3। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। एच आ गया, के आ गया, और क्या गिवन है? रेडियस। रेडियस क्या है हमारे पास? 4। और रेडियस को नाम क्या दिया हमने? आर इक्वल टू 4। ये पता लग गया। हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालनी है, तो लिख दो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल, स्टैंडर्ड ऑफ द सर्कल। सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है? x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या? r स्क्वायर। वैल्यू ठोक दो, x माइनस h, h कितना है बोलो? -2। यहाँ पे जब -2, चलो मैं रख देता हूँ -2, h की जगह h की वैल्यू इसका होल स्क्वायर, एंड y माइनस k कितना है? 3 है, 3 का होल स्क्वायर। अरे हाँ या ना, समझ रहे हो? होल स्क्वायर। एंड r कितना है हमारे पास? 4 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर दो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर इसको, एंड y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो गया? 16। इतना छोड़ोगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हो जाएगा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। अगर इसको और सिंप्लीफाई कर देंगे तो कौन सी इक्वेशन आ जाएगी? जनरल इक्वेशन। हम कोशिश करेंगे सिंप्लीफाई कर दिया करेंगे। तो ये क्या आ गया? a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये 4x हो जाएगा, एंड यहां पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो ये 9, एंड -2ab माइनस है तो -2ab तो -6y हो जाएगा इक्वल्स टू क्या? 16। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, x स्क्वायर लिखो, फिर y की टर्म लिखो y स्क्वायर, फिर x वाली टर्म लिखो 4x एंड -6y, और ये क्या हो गया हमारे पास? 4 9 4 13। इसको इस तरफ लेके आओगे तो प्लस का 13 और ये माइनस का 16, तो माइनस का 3 इक्वल्स टू 0। ये जनरल इक्वेशन हो गई, ये कौन सी हो गई? स्टैंडर्ड इक्वेशन। समझ में आ गई बात?